सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लाओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुर्खियां ते। वारिस पंजाब की जथेबंदी के मुखी भाई अमृतपाल सिंह नाल जुड़े मामले में गिरफ्तारी का मामला। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने नौजवानों को रिहा करने लई पंजाब सरकार को 24 घंटों का दिता अल्टीमेटम। राहुल गांधी ने लोकसभा की मैंबरशिप तो योग ठहराने का मामला। विरोधी पार्टियों के संसद मैंबरों ने काले कपड़े पहन के किया रोस प्रदर्शन। सत्यमेव जयते लिखे बैनर फड़ के किया रोस प्रदर्शन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सब तो उच्चे रेल पुल उत्ते किया ट्रैक का ट्राली परीक्षण। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट तहत चनाब नदी उत्ते बनाया जा रहा है ट्रैक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह दे मामले विच श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों पंजाब सरकार नूं 24 घंटां दा अल्टीमेटम दित्ता गया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर सारे सिख नौजवान रिहा किए जाण। इस फैसले बारे जानकारी सांझी करदिआं श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि जथेदार साहब ने कहा कि जेकर सरकार सिख नौजवानों नूं रिहा नहीं करदी तां श्री अकाल तख्त साहिब दी सरप्रस्ती हेठ वहीर कढ के पूरी दुनिया में दसाया जाएगा कि सिखा नाल वधीकियां हो रही ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि 29 मार्च में देश विदेश के सिख अपने वाहनों उपर महाराजा रणजीत सिंह वेले का केसरी निशान चला। इस अलावा उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में जिहड़े न्यूज़ चैनलों ने सिख कौम बारे गलत खबर नशर कीतियां ने उन्होंने खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा। दस दिए कि श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में 60 तो 70 जथेबंदियों को गलबात लई सदा दिता गया। अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने अज एक विशेष मीटिंग रखी सी जिहदे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते सिख जथेबंदियां निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां विदेशां दे सिख इत्थे जिहड़े इस पंजाब दे विच सिख पंथ दर्दी उहनां सारिआं ने हिस्सा लिया। 3 घंटे लगातार ये मीटिंग दे विच सारिआं ने अपने विचार प्रगट किए। श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती हेठ सारिआं ने निर्णय किया कि सिंह साहब जिहड़ा जो कोई प्रोग्राम देणगे उहदे उत्ते फुल चाढ़ांगे। सो सिंह साहब ने अज सीधे लफ्ज़ां दे विच 24 घंटे का सरकार नूं नोटिस दिता कि जिन्ने भी फड़े आ उह सारे 24 घंटिआं विच रिहा किए जाण। जे नहीं रिहा किए जाते फिर उहदा अगला कदम जिहड़ा आ ओ लोकां दीआं फिर सत्थां दे विच पिंडां दे विच शहरां दे विच वख-वख बहीरां बना के उहदा फिर ओ प्रचार नहीं कीता जाऊगा। ओ वड्डे पद्धर ते लोकां नूं उहदे बारे अवेयर भी कीता जाऊगा कि साडे नाल किड्डा वड्डा जिहड़ा आ ओ धक्का हो रिहा। सो इह अज दा जिहड़ा मूल रूप दे विच सिंघ साहिब ने सारा आदेश कीता आ उहदे नाल इक चेचे तौर ते जिहड़ा क्योंकि नैशनल मीडिया ओ नैशनल मीडिया ने पिछले दिनों दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते बदनामी की सिखां दी आन ते शान नूं ढा लाई आ उह भी सिंघ साहिब ने आदेश कीता कि ओ नैशनल चैनल जिन्हां ने इस गल नूं वधा चढ़ा के सिखां नूं देश ते विदेश ते समुची दुनिया दे विच एक बदनाम करन दा जतन कीता ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
मैं असी संत पिंडराले दे वक्त तो देखिया है। मैं समझदा कि अज जे मैं हुण गल करा 6 महीने साल 2 साल दे विच कोई आतंकी वारदात नहीं होई, कोई उत्थे ऐसा हादसा नहीं होया कि जिहदे उत्ते अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी लगा दिती जावे, NSA लाने शुरू कर दिते गए ने। मैं समझदा घरों बच्चों चुकिया जाना शुरू कर दिता है। और खाली पंजाब की गल मैं छड़ देवां, दिल्ली च दिल्लियों बाहर हिंदुस्तान दे विच सारी जगह दे उत्ते जिन्हां दे बच्चे बाहर पढ़ते पे ने, जिन्हां दा कोई लैंडलाइन है नहीं, उन्हां नूं परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी टोटल निखेधी करता वा। कांग्रेस अते कई होर विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां ने राहुल गांधी नूं लोकसभा दी मैंबरशिप तों अयोग ठहराए जाण मगरों रोस प्रदर्शन किया। कांग्रेस अते कुछ होर सहयोगी पार्टियां दे संसद मैंबरां ने इस कार्रवाई के विरोध में काले कपड़े पहने हुए सन। विरोधी नेतावान ने पहला संसद कंपलैक्स अंदर धरना दिता और फिर विजय चौंक तक रोस मार्च कढ़िया। संसद भवन कंपलैक्स में महात्मा गांधी के बुत अगे दिते इस धरने में कांग्रेस संसदीय दल की मुखी सोनिया गांधी, पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई संसद मैंबर नेता शामिल हुए। संसद कंपलैक्स में धरने मगरों विरोधी धिर के संसद मैंबर ने विजय चौंक तक रोस मार्च कढ़िया। उन्होंने हाथों में एक वड्डा बैनर फड़े हुआ है जिस उत्ते सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। विरोधी धिर के संसद मैंबर ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस प्रधान खड़गे ने राहुल गांधी अयोग ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करने बाकी विरोधी पार्टियों का धन्यवाद किया है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने सवाल चुके कि अडानी समूह में जनता के पैसे का निवेश क्यों किया जा रहा है और सरकार इसकी जांच करवाने से डर क्यों रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि LIC की पूंजी अडानी को SBI की पूंजी अडानी को राहुल गांधी ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ना जांच ना जवाब, आखिर इन्ना डर क्यों। कांग्रेस अमरीकी वित्तीय सोध संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह और प्रधानमंत्री उत्ते लगातार शब्दी हमले कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके लैण देण शेयर कीमतों में हेरफेर समेत कई दोष लगाए सन। दस दिए कि अडानी समूह ने इन दोषों झूठा करार देते हुए कहा कि उसने सारे कानून प्रबंधन की पालना की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश को बदनाम करने का कोई मौका छड़ना नहीं चाहते और हमेशा खुद को कानून तो उपर विखाने की कोशिश करते हैं। शेखावत ने अपने बयान में कहा कि अजिहे लोग जो खुद को सिस्टम तो उपर समझते हैं यकीनी रूप से लोकतंत्र लिए खतरा ने। लोकसभा लिए राहुल गांधी की योग्यता उत्ते उन्होंने कहा कि कुछ नेता जिन्हों गांधी परिवार कानून और संविधान तो उपर है सदन तो उन्होंने योग्यता के मामले उत्ते हंगामा कर रहा है। उन्होंने दोष लगाया कि इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ संविधान का अपमान है सगों देश की लोकतंत्री व्यवस्था का भी अपमान है। शेखावत ने कहा कि शर्मनाक है कि राहुल गांधी हंकार और घमंड में इस कदर डुबे हुए सन कि उन्होंने अदालत वालों मौका दिए जाने उत्ते भी मुआफ़ी नहीं मंगी सी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अत्यंत अहम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट तहत चनाब नदी उत्ते बनाए जा रहे दुनिया के सब तो उच्चे रेलवे आर्क ब्रिज उत्ते विछाए गए रेल ट्रैक का ट्राली परीक्षण किया। उन्हें कहा कि यह प्रोजेक्ट इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने सब तो पहला बकल पहुंच के पुल के एक सिरे उत्ते भूमि पूजन किया। इस तो बाद रेल मंत्री ने खुद मोटर ट्राली उत्ते सवार होकर पुल और टनल नंबर 6 के ट्रैक का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने इस पुल को इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल दसिया। उन्हें कहा कि यह पुल देश के होर हिस्सों को कश्मीर वादी के साथ रेल लिंक राही जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। काटड़ा तो बनिहाल सैक्शन विचकार चनाब नदी उत्ते इस पुल का निर्माण बहुत चुनौतीपूर्ण सी। तेज हवावां अते भूचाल दा इस पुल उत्ते कोई असर नहीं पवेगा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज जलंधर दौरे ते पहुंचे। इस दौरान भगवंत मान वालों करोड़ों रुपए के विकास प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया गया। भगवंत मान वालों वेरका मिल्क प्लांट विखे स्वै चालित फॉरमेंटेड डेयरी का उद्घाटन किया गया। इस कारण प्लांट की दुध संभालने की समर्था 1.25 लाख लीटर तो वध के 6 लाख लीटर हो गई है। प्लांट की लागत 84 करोड़ रुपए दसी जा रही है। इस दे नाल ही जलंधर की बस्ती दानिशमंदा विच सीनियर सैकेंडरी स्कूल की नवी इमारत का भी उद्घाटन किया गया। इस दे नाल लैदर कंपलैक्स दी सड़कां ते लाइटां दा 5 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण किया गया जिसका भी उद्घाटन किया गया। इस मौके अपने संबोधन विच भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हुण तरक्की दे राह उत्ते चल पिया। उन्होंने कहा कि जलंधर शहर नूं शीशे वांगू चमका देंगे। उन्होंने भी कहा कि वह हर रोज 4-5 तरक्की दे बटन दबदे ने। 84 करोड़ रुपए की लागत नाल जो वेरका मिल्क प्लांट का नवीनीकरण किया गया वो शामिल होने लिए सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणा जलंधर मीडिया की राजधानी कहा जाता है जलंधर के मीडिया के साढ़े साथी सारे वख-वख मंचां नूं
रीप्रजेंट करते हैं। एक साल दे विच तुसी तां देखो पांच साल वास्ते एक बटन दबिया। मैं हर रोज तरक्की दे घट्टो घट चार तो पांच बटन दबदा, ये तुहाडे वाले बटन करके है। अज इस प्लांट नूं चलाउण वाला बटन दबिया, फिर थल्ले पैकिंग करन वाला बटन दबिया जिथे लस्सी ते दही पैकिंग होगी, दो बटन, एक स्कूल वाला ते एक सड़कां वाला, वो बटन दबे, चार तो अज थोड़े कोल ही दबते बटन। ये तां संभव ने जे तुसी एक साल पहला बटन दबिया सी। इस गल लई मैं थोनू बधाई दिना कि पंजाब तरक्की दे राह ते चल पिया। एक साल दे विच ही तुहाडे सहयोग नाल गड्डी ली ते चढ़ गई है। बजट साडा बहुत वधिया सी, बजट दे विच कोई टैक्स नहीं लाया गया नवा, और बजट दे विच असी पैसे धारे जिहड़े पैसे उन्होंने फड़े हुए सी पहलां आलिआं ने उन्हां नूं लाउणे शुरू कर रहे हां। 16,000 करोड़ रुपया मूल धन यानी कि प्रिंसीपल अमाउंट, तो 20,000 करोड़ रुपया वह ब्याज, 36,000 करोड़ रुपया असी एक साल च लाहिया भी है। कुछ दिन पहला हुई भारी बरसात और गड़ेमारी कारण बुढ़लाडा तहसील के कई पिंडों में किसानों की कणक सरों और होर फसलों बर्बाद हो गई ने, जिसके मुआवजे को लेकर अज बीकेयू ग्रहां वालों बुढ़लाडा में SDM को पंजाब सरकार के नाम एक मंग पत्र दिता गया और सरकार तो मंग की गई कि खराब हुई फसल की तुरंत गिरदावरी करवा के किसानों को बनता मुआवजा दिता जाए। किसान आगू जोगिंदर सिंह दयालपुरा ने दसा कि बेमौसमी मीह और गड़ेमारी कारण बुढ़लाडा ब्लाक के कई पिंडों में किसानों की कणक सरों और होर फसल पूरी तरह तबाह हो गई ने। उन्हें कहा कि सरकार किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जारी करे और मजदूरों को भी बनता योग मुआवजा दिता जाए। अज असी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे वल्लों SDM दफ्तर बुढ़लाडा नूं मंग पत्र देण वास्ते इकट्ठे होए आ, क्योंकि पिछले दिनी जो बेमौसमी बारिश के कारण साढ़े काफ़ी पिंडां दे विच गड़ेमारी दे नाल साडियां कुल फसलां है जिहड़ियां उह तबाह हो गईआं। कणक सी, सरों सी, सब्जियां सी, हरा चारा सी, जिहड़ा इह बिल्कुल जिहड़ी गड़ेमारी ने तबाह कर दिता है, क्योंकि इस दे तबाह होण नाल जिथे किसानां दी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा खदशा सी, इहदे नाल किसानां दी हालत होर बहुत ज़्यादा खस्ता होगी, क्योंकि कर्जियां दे विच होर वाधा होना है, खुदकशियां दे विच होर वाधा होना है, क्योंकि जे साडे देश दे हाकम साडे देश दीआं सरकारां साडे किसान पक्खी होण जां मजदूर पक्खी होण, जदों भी इहो जी कोई आफत आउंदी है तां उहनां दी समय सिर बांह है जिहड़ी उह सरकारां नूं फड़नी चाहीदी है। पंजाब विच बीते दिन हुई भारी बरसात और गड़ेमारी कारण हुई फसलों के नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों अफसरों नाल मीटिंग की गई। मीटिंग मगरों मुख्यमंत्री मान वालों किसानों लिए अहम ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिन ही पंजाब विच बहुत भारी बेमौसमी बरसात हुई, जिस दे नाल गड़ेमारी अते तेज हवावां भी चलिया, इस नाल खड़ियां हुई फसलों खास तौर पर कणक का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। उन्हें कहा कि उन्होंने खुद डिगी हुई फसलों खेतों में जाके वेख्या, किसानों नाल भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मान ने ऐलान किया कि प्रशासन के सारे DC नूं हुक्म दिता गया है कि एक हफ्ते के विच गिरदावरी की जाए तो किसानों नूं बनता मुआवजा दिता जाए। सो असी ऐलान किया 75% तो 100% के जिन्ना भी फसलों का नुकसान होया उस 15,000 रुपया एक एकड़ का, यानी कि 25% असी वादा करता वह मिलेगा, तो 33% तो 75% तक जिहड़ा पहला 5,400 सी वो हुण असी वधा के 25% वधा के 6,750 रुपये करता, तो जिहड़ा पहला 26 तो 33 हुंदा सी उहनूं असी 20% तो 33 करता, तां कि जे किसे दा एक एकड़ चो एक बिघा भी फसल का नुकसान हो गया तो उहनूं भी मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा किवें मिलेगा, किहनूं मिलेगा, इहदे तरीके भी असी पारदर्शी करन लगे हां। असी प्रशासन नूं हुक्म दिता है, सारे DCs नूं हुक्म दिता है कि जदों भी गिरदौरी करनी है, और गिरदौरी एक हफ्ते के बीच करनी है, स्पैशल गिरदावरी के हुक्म दिते ने, वो गिरदौरी जी है कोई पटवारी या कोई SDM या तहसीलदार या कोई होर अफसर गिरदौरी करन जो जाऊगा वो किसी खास बंदे दे घर च बह के गिरदौरी नहीं कर सकता। सांझे तौर उत्ते छोटे साहबजादों के हक में हाथ का नारा मारन वाले
नवाब शेर मुहम्मद खान की वंश की अठवीं पीढ़ी की आखिरी बेगम राजमाता मुनवर उल निशा का एक विशेष सम्मान 1 अप्रैल में किया जाएगा। इस गल की जानकारी लखविंदर सिंह काने के प्रधान दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन पंजाब श्रोमणी अकाली दल के बुलारे एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने सांझी की है। असी उपराला किया जिथे असी हवेली का जोड़ा कार्ज है वह भी असी काफी बेखम पिंड लंघ के कर रहे हैं। उत्थे नाल ही असी सोचा भी जी नवाब मुहम्मद शेर खान ने छोटे साहबजाद वेले हादा नारा मारिया से उन्होंने बहुत बड़ी कुरबानी की। उस टाइम सभा के उठ के वजीर खान की सभा के उठ के जाना एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्ज किया। उस संबंध में उन्होंने जी आखिरी उस पीढ़ी की आखिरी बेगम है वह शाही महल के मलेरकोटला की धरती से रह रही है। उन्होंने जी आजू है वह 102 साल की हो गई है। अठवीं पीढ़ी के लास्ट बेगम ने ते असी एक जतन किया फाउंडेशन वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल लेके ते समुची संगत नाल लेके उन्हां दा जिहड़ा सन्मान है वह फतेहगढ़ साहब की धरती से किया जाए। तो इहदा जिहड़ा सारा असी रूपरेखा बाहरली संगत दे नाल सारी तैयारी करके वह असी इहदा जिहड़ा समां रख्या है वह 1 अप्रैल 12:30 बजे का रख्या है, जिहदे विच डीसी फतेहगढ़ साहब ते डीसी सॉरी SSP अपना फतेहगढ़ साहब ते होर भी देशों विदेशों के जिहड़े मिनिस्टर वगैरह दे बजुर्ग ने उन्हां नाल संबंधित ने वह भी फतेहगढ़ साहब की धरती से 1 अप्रैल 12:30 बजे पहुँचने, जिदे धामी साहब विशेष तौर पर जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा मान सन्मान वह करनगे। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारते हैं मौसम के हाल से। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।